नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के बंदेपारा के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। उससे AK-47 राइफल बरामद हुई है। मेरठ में एक घर में विस्फोट हुआ है। DM दीपक मीणा ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग इस धमाके में घायल हो गए हैं। धमाके की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करेगी। कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला घोषणा पत्र जारी करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर के जीरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमास के हमलों से इसराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3400 लोग घायल हैं। इसके अलावा गाजा में इसराइल के हमलों से अब तक 2800 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। दिल्ली में JP नड्डा के आवास पर बैठक होनी है। उम्मीदवारों के नाम पर इस मीटिंग में मंथन होगा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलवार को 6 घंटे तक बंद रहने वाला है, जिसका कारण मेंटेनेंस वर्क बताया जा रहा है। एयरपोर्ट के बंद रहने की टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। भारत और बांग्लादेश के बीच विश्व कप 2023 का 17वां मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। यह मैच 19 अक्टूबर को आयोजित होना है। शेयर बाजार की चाल आज जोरदार तेजी के साथ दिखाई दे रही है और घरेलू स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल दर्ज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बन रही बायोपिक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, नई पीढ़ी को इस फिल्म से प्रेरणा मिलेगी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और शिवसेना के गठबंधन पर CM एकनाथ शिंदे की टिप्पणी के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट ने पलटवार किया है। शिवसेना UBT ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि BJP को यह रास नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी RPI के लिए मंत्री पद की मांग की है। उनका कहना है, उनकी पार्टी का नेटवर्क पूरे राज्य में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। बैठक रविवार को उप मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास सागर में हुई। पुणे शहर में स्वामीनारायण मंदिर के पास पुणे बेंगलोर राजमार्ग पर एक भीषण हादसा हो गया है। स्वामीनारायण मंदिर के पास पुणे बेंगलोर राजमार्ग पर एक ट्रक में आग लग गई। इसमें 4 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई। देश के अलग अलग शहरों में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर जैसे शहर भी शामिल है। हेमा मालिनी ने अपना 75वां जन्मदिन फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों के साथ मनाया। उनकी बर्थडे पार्टी में रेखा, जूही चावला, माधुरी दीक्षित समेत कई सितारों ने शिरकत की। सलमान खान के हर चाहने वालों को उनके फिल्म टाइगर 3 का इंतजार है। फिल्म से पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग पर CJE ने कहा है कि इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। फलस्तीन के हमास समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बंदक का वीडियो जारी किया है। इसराइल और हमास के बीच खूनी जंग में हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। इसराइल और हमास के ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए हैं। पुतिन का यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इसराइल दौरे से ठीक एक दिन पहले हुआ है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।